ਕਾੜੀ ਵਾਦੜੀ ਕਾੜੀ ਵਾਦੜੀ ਪਾਣੀ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਰੇ ਉਹ ਮੈਨੇ ਵਾਦੜੀ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੇ ਉਹ ਕਾੜੀ ਵਾਦੜੀ ਪਾਣੀ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਰੇ ਖੇਤ ਹੋ ਗਾ ਉਜੜ ਤਾਤੀ ਤਨ ਚਲ ਵੇੜ ਬੁਰੀ ਆਈ ਰੇ ਮੈਨੇ ਬਾਦੜੀ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੇ ਬਾਦਲੀ ਬਾਦਲ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਪੇੜ ਮੇ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰੁਸਥਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਊਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੇੜ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤਨੀ ਗਰਮੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦ ਆਏਗੀ ਦਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਹੀਂ ਸੇ ਅਰੇ 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 ਆਜ ਸੁਬਹ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਨੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਧਰ ਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਗੁੜ 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 ਕਿਤਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਭੀ अरे देखो बच्चों बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ गई बारिश आ गया बारिश में नहाओ मौका मिलेगा नहाने का पेट लगाओ ऐसा छिल मिल तारों जैसा पेट लगाओ ऐसा छिल मिल तारों जैसा पेट लगाए ऐसा छिल मिल तारों जैसा पेट लगाए बिस्किट के पत्ते हो जिसमें बिस्किट के पत्ते हो जिसमें फल हो टॉफी जैसा पेड़ लगाए ऐसा फल हो टॉफी जैसा पेड़ लगाए ऐसा मिल तारों जैसा पेड़ लगाए ऐसा डाल पकड़ कर तू दिन काले डाल पकड़ कर तू दिन काले फिर पूरा पीजो पेड़ लगाए ऐसा चिल तारों जैसा पेड़ लगाए ऐसा बच्चों देखा आपने कि रेगिस्तान में जब कभी कभार बारिश की बूंदें होती हैं तो वहाँ के जीवन में कितनी खुशहाली आ जाती है जबकि हम यहाँ कितना पानी जाया करते हैं इसलिए हमें यहाँ भी वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाओं के द्वारा पानी को बचाना चाहिए सरकार भी इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है अतः हमें पानी के बचाने के तरीकों को हर स्तर पर इसको पहुँचाना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा पानी रे पानी तेरा रंग कैसा Come again another day. Hello, Red. Hello.
धरती पर, खिली हुई धरती पर कौन अहम जैसे जो मनुष्य है वो पानी का दुरुपयोग करके कैसे उसे गंदा कर रहे हैं। सर जो हमारा विषय है घर में जो पेड़ है, घर के सामने पेड़ लगा हुआ है और वो देख रहा है कि घर में पानी की वेस्टेज कैसे होती है और उस पानी की वेस्टेज को हम बचा कैसे सकते हैं, हमारा विषय ये है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ब्रश किया जा रहा है, सामने जो नल है वो खुला है और जब हमारे बीच में जो पेड़ है वो इतना समझदार है कि वो पानी को बंद कर रहा है, घुंडी को बंद किया जा रहा है क्योंकि इंसानों के बस की बात अब रही नहीं है, अब वो काम पेड़ पौधों को करना पड़ रहा है। हमारे बीच में अब दूसरी दुनिया ये हो रही है कि घरों और गाड़ियों को साफ किया जा रहा है और पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी की जा रही है और देख लो हमारे समझदार पेड़ की प्रतिक्रिया कि वो कह रहा है कि बाल्टी का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमारे बीच में अब शावर लिया जा रहा है जिससे पानी की बहुत ज्यादा बर्बादी हमारे बीच में होती है, जिससे पेड़ हमें बताना चाहता है कि हमें बाल्टी और बाल्टी का प्रयोग करके और गिलास का प्रयोग करके नहाना चाहिए जिससे हमारे पानी की बर्बादी कम से कम हो। हाँ जी, यहाँ पर हमारे बीच में कपड़े धोए जा रहे हैं और हमारा जो पेड़ समझदार पेड़ है हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि पेड़ के कपड़े धोने के लिए बाल्टी का प्रयोग हमें करना चाहिए। हाँ जी, अब हमारे बीच में आरओ है जी, जो हमारा जो साफ करने के बाद जो पानी बच जाता है उसके लिए प्रयोग उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, इस बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है। हाँ जी, हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बना सकता है। हर कोई जल बचा सकता है, बूंद बूंद से सागर बना सकता है। इसलिए जल बचाओ, जीवन बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ, जल बचाओ, जीवन बचाओ। देखिए, आज हमारे सामने पानी की कमी कहीं कहीं हमें महसूस होती है तो लगता है कि शायद ये ऐसे ही चलता रहेगा। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि मुझे पानी को कैसे इस्तेमाल करना है, दूसरा हम कैसे कर रहे हैं और कैसे हमें करना चाहिए। यही एक छोटी सी कोशिश हमारी थी कि हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम गाड़ी धोते हैं, हम फर्श धोते हैं, हम कपड़े धोते हैं, तो किस तरह से सीधा हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसकी जगह हम बाल्टी, बकेट या जो है डब्बे का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा पानी को बचाया जा सकता है। आरओ हमारा है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आरओ हम इस्तेमाल करते हैं, जो पानी आपका वेस्ट हो रहा है उसको हम बचा लें और मैं आपके सामने हूँ, उस सारी चीज़ों का आप मेरे अंदर डालिए, मैं फलवित हो जाऊँगा। एक छोटे से एक्ट से कितनी सारी चीज़ें बताई इन्होंने, और आप सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने वो जो पेड़ है उसी को जरिया बना दिया, पेड़ खुद आके कह रहा है कि भाई आप वेस्ट मत कीजिए, मैं एटलीस्ट मुझे तो पता है इसकी क्या कीमत है, आपको नहीं पता हो सकता। और कितनी सारी चीजें इन्होंने, इवन जेंडर से लेके ये चीजें, तो आर्ट का जो एक्सप्रेशन है वो आप समझ सके चुके हैं। मेरा जो बेसिक मकसद था लगता है वो सफल हो रहा है कि आप कोई सा भी आप सब्जेक्ट हो, चाहे आप EBS पढ़ा रहे हो, चाहे सोशल साइंस हो, ये वो, चाहे वैल्यूज हो, एथिक्स हो, लेकिन एक जैसे हमने वाटर एक लिया है तो उसके जरिए आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। वास्तव में बहुत बढ़िया। मैं पेड़ हूँ,
मैं पेड़ हूँ, एक खेत में खड़ा हुआ हूँ और मुझे कई दिनों से बारिश का इंतजार था। आज बारिश आ गई है और बारिश आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे कई दिनों से मैं नहाया नहीं था और आज मैं बारिश में खूब अच्छे से नहाऊंगा और मैं गंदा हुआ हूँ और मैं बिल्कुल साफ हो जाऊंगा। बिना पानी के मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है। गर्मी में मैं सभी को छाया देता हूँ और जो भी किसान गर्मी में कार्य करता है वो मेरे नीचे आकर बैठकर आराम करता है और यहाँ खाना भी खाता है। मेरे ऊपर पक्षी घोंसले भी बनाते हैं और बारिश के मौसम में कोयल और पपीहा पीहू पीहू करके मुझे जो है अपनी धमनी से धमनी सुनाते हैं और मैं उससे बहुत खुश हो जाता हूँ। मैं भूमि कटाव को रोकता हूँ, जड़ों में पानी को संग्रहित करता हूँ और बाद में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा मैं वातावरण में उसे छोड़ता हूँ। मैं फल भी देता हूँ, छाया भी देता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसान धान की फसल को काट लेते हैं तो मैं अपने आप को मरते हुए फील करता हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं उस अपने धान के खेत के बिल्कुल साथ में खड़ा होता हूँ और धान की फसल काटने के बाद जब किसान उसमें आग लगा देता है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसकी चपेट में आ जाता हूँ। इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं लास्ट में मर जाता हूँ। कुछ रुख मैनू पुत लगते ने, कुछ रुख मैनू लगते मावा, कुछ रुख नूहतिया लगते, कुछ रुख वांग परावा, कुछ रुख मेरे बाबे वांकने पत्थर टावा टावा, कुछ रुख मेरी दादी वर्गे चूरी पावा कावा, कुछ रुख यारा वर्गे लगदे चुम्मा ते गल लावा, एक मेरी महबूबा वांकण मिठा ते दुखावा, कुछ रुख मेरा दिल करदा ए मोटे चुक खिलावा, कुछ रुख मेरा दिल करदा ए चुम्मा ते मर जावा, कुछ रुख जद भी रल के झूमन तेज वगा वगन जद बावा, सावी बोली सब रुखां दी दिल करदा लिख जावा, मेरा भी यह दिल करदा है रुख दी जूने आवा, जे तुसा मेरा गीत है सुनना मैं रुखां विच गावा, रुखां ता मेरी रुख ता मेरी मावर के ने ज्यों रुखां दिया शावा।